हम पढ़ेंगे रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। और इसमें हम लोग डिफिनेशन पहले लिखेंगे, डिफिनेशन के बाद ही समझेंगे डी रेडिकल एक्सिस ऑफ टू इज द लोकस, इज द लोकस ऑफ द पॉइंट from which the tangent इसमें होता क्या है, इसके बारे में पढ़े समझ लेंगे, है ना। ये होता क्या है कि डी रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल, मतलब दो सर्कल का हम लोग रेडिकल एक्सिस पढ़ेंगे। इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से अगर फ्रॉम ईच द टेंजेंट, मतलब एक पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, सर्कल पर दो टेंजेंट लेंगे और दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल एक्सिस। जैसे यहाँ पे देखो दो टेंजेंट ले, पहले दो सर्कल होना चाहिए, क्या लिखा है कि टू सर्कल, ठीक है। हम लोग दो सर्कल यहाँ पे नजदीक ले लेते, ठीक है। इस वाले सेंटर को ए माना और ये सेंटर को क्या मान लिए, बी मान लिए, ठीक है। सेंटर के बारे में पता है और एक क्या होना चाहिए, लोकस ऑफ द पॉइंट। पहले हम लोग पढ़े हैं लोकस ऑफ द पॉइंट, मान लेते हैं कि ये लोकस है और इसकी पॉइंट क्या लिखेंगे, एक्स कमा वाई, टू डी का कंडीशन रहते हैं। इस पॉइंट से लिखा है कि लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ईच द टेंजेंट, ना हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से टेंजेंट लेंगे, मान ली कि ये टेंजेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, ये मान लेते कि दो टेंजेंट है, ठीक है। ये टेंजेंट कहाँ पे टच कर रहा है, इस सर्कल के पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट को हमने टी माना और इस पॉइंट को क्या मान लिया, पी मान लिया, या इसको पी मानेंगे, इसको ई मानेंगे। अब होता क्या है कि इस वाले दोनों के फिर हम लोग रेडिकल एक्सिस बनाना होगा, तो क्या बनेंगे, दोनों आपस में जो सर्कल होगा वो क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। इस टाइप से मान लेते हैं और इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सिस को डालेंगे और ये हो जाएगा आपका टेंजेंट है और दोनों पर हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, दोनों पर क्या लेंगे हम लोग, एक टेंजेंट लेंगे। इसकी सेंटर ए है और इसकी सेंटर क्या है, बी है। इस वाले पॉइंट को हमने माना एक्स कमा वाई, ये क्या है, तो टेंजेंट है, ठीक है। और ए भी क्या होगा, टेंजेंट होगा। टेंजेंट, दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर। एक क्यू है और इसको हमने माना पी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी पी है, इसको हम लोग पी ए मतलब एक पॉइंट है और इसको आर मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉइंट आपका यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, तो पी नहीं चलेगा, कोई अलग पॉइंट ले लेंगे। अब देना है इस वाले को, हम लोग बोलते हैं इसको बोलेंगे रेडिकल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। इसी वाले को बोला जाता है। यहाँ से बात पता चल रहा है कि जो एक पी क्यू है, पी क्यू का जो लेंथ होना चाहिए वही क्या होना चाहिए, पी आर का लेंथ होना चाहिए। खुद यहाँ पे बोला हुआ है डिफिनेशन के, क्या हो रहा है, अरे डिफिनेशन तो समझो, खुद बोला है कि रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल लेना है, जो कि एक सर्कल यहाँ पे है, एक सर्कल यहाँ पे है। बोला है कि इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट लेना है, मान लेते हैं पी है जिसका पॉइंट एक्स वाई है। फ्रॉम विच द टेंजेंट, मतलब हम लोग क्या लेना है कि दो टेंजेंट लेना है दोनों सर्कल पर और स्पर्श करना चाहिए, उसकी जो लेंथ होनी चाहिए, लेंथ क्या होगा, इक्वल, मतलब जो पी क्यू का लेंथ होगा वही पी आर का लेंथ होगा,
ठीक है, इसी वाले सर्कल को ये सटा लेंगे तो ये प्रतिच्छेद करेगा और इसी से एक लाइन को पास करेंगे, ठीक है, जहाँ पे दोनों सर्कल कट कर रहा है, यहाँ भी कट किया, यहाँ पे उसी से हमने एक लाइन लेंगे और इसी लाइन को क्या बोलेंगे, रेडिकल एक्सिस बोला जाता है। अच्छा, ये क्या आपका टेंजेंट है और ये भी क्या है, टेंजेंट है। ए और बी क्या है कि सेंटर है, पहले वाले सर्कल का सेंटर ए माने हैं और दूसरे वाले सर्कल का जो सेंटर क्या है, बी माने हैं, ठीक है। इसी वाले को हम लोग ए वाला लाइन को क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस। इसका फॉर्मूला भी आपको मिलेगा, इक्वेशन भी मिलेगा, ए ऑर्थोगोनल कब बनाता है नहीं बनाता है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, इसको जल्दी आप नोट करेंगे। देखिए इसमें लिखा है कि टू ऑफ टेन द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल, मतलब दो सर्कल यहाँ पे दिया रहेगा तो उसका रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट टू इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, इसमें हमने माना एक्स स्क्वायर, ठीक है, या तो एक मानेंगे या तो दो मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है, ऐसा ही तो होता है ना, जनरल इक्वेशन यही होता है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। लेकिन यहाँ पे वन वन इसलिए दिया कि यहाँ पे दो सर्कल का समीकरण लेना है, एड लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पे g2 हो जाएगा x प्लस टू एफ टू वाई प्लस क्या लिखेंगे c2 इक्वल टू जीरो, ये समीकरण क्या हो गया, दो हो गया। बात समझ में आ रहा है। अभी हम लोग एक फिगर देखे थे कि यहाँ पे दो सर्कल होना चाहिए, मान लेते हैं कि दो सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट एक रहेगा जिसका नाम है x कमा y लिखेंगे, या इसको पॉइंट x1 और y1 दे, कोई पॉइंट दिया रहेगा वन टू थ्री जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग ले लेंगे। इस वाले पे क्या करना है कि एक टेंजेंट लेना है और इस पर भी क्या लेना है, एक टेंजेंट लेना है, दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन इसको हमने q माना और इसको मान लिया r मान लिया, ठीक है, दोनों का एक करेंगे इसके सामने तो इसी को बोला जाता है रेडिकल एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। अगर सिंपल तरीका से निकालना है तो ऐसा, अगर दो सर्कल दिया रहेगा और समीकरण निकालना है तो आप पहले वाले में से दूसरे को क्या कीजिएगा, घटा दीजिए, पहले वाले में दूसरे को क्या करना है, घटाने के बाद आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। मान लेते हैं कि लेट ये जो P है एक्स वन कमा वाई वन, मतलब ये वाला पॉइंट है, ठीक है, बी अ पॉइंट है, अच्छा पॉइंट ना विच फ्रॉम विच टेंजेंट, टेंजेंट्स लिखेंगे, ठीक है, टेंजेंट्स क्या है, पी क्यू है एंड क्या है क्यू आर है, दो ही टेंजेंट है ना टू द सर्कल, ये दिया हुआ है, ठीक है, आर क्या होता है इक्वल, ठीक है, डेट में क्या लिखेंगे, जो PQ है, ठीक है, जो PQ है वही क्या रहेगा PR, अगर हम इधर से स्क्वायर करना चाहते हैं तो इधर भी क्या आ जाएगा P R स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में, नंबर क्या आ गया वन। देखिए अगर आपको एक सर्कल दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया रहेगा उसका लेंथ निकालना होगा, तो लेंथ तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, जैसे आपके पास अभी छोटा सा एक लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस मान लेते हैं कि टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, और एक आपके पास पॉइंट मान लेते हैं कि ये वन वन है, ठीक है, अगर इस पॉइंट और सर्कल के बीच का लेंथ निकालना होगा तो आपको रूट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा रूट, बहुत आसान से निकाला जाता है कि कोई भी एक सर्कल दिया है और एक पॉइंट दिया है तो सर्कल और पॉइंट के कंडीशन में जो दूरी होगा लेंथ होगा हम लोग रूट दे करके जहां पे एक्स है वहां पे क्या रखेंगे वन रखते चलेंगे, वाई के वैल्यू क्या है वन प्लस टू गुने वन प्लस टू गुने वन और ये क्या होगा वन, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा वन प्लस टू प्लस वन,
इसको हम लोग क्या देंगे रूट, यानी कि जोड़ेंगे तो क्या होगा चार और तीन सात, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी सर्कल और एक पॉइंट दिया रहेगा तो उसका लेंथ हम लोग निकालेंगे, तो लेंथ ऐसी होगा तो PQ जो है, PQ और PR क्या है, दो लेंथ है। अगर PQ को निकालते हैं और PR को निकालते हैं, समीकरण एक में निकालेंगे बाकी रख देंगे। जैसे मैं देखिएगा, पहला जो ए सर्कल है, मान लेते कि पहले वाले को समीकरण है और दूसरा सर्कल क्या है, दूसरे वाले के समीकरण है। ए पॉइंट दिया है और ये सर्कल का समीकरण दिया है, तो ये दोनों का अगर हम लेंथ निकालते हैं तब PQ लिखना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग काट दिखेगा नहीं, यहाँ दिख रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ लेंथ, ठीक है, इसका मतलब PQ का हम लेंथ निकालना चाहते हैं। ठीक है, PQ का है क्या मतलब, ये सर्कल यहाँ पे दिया है, पहले वाले सर्कल को मान लेते हैं कि ये समीकरण है। ठीक है, इस समीकरण में ए वाला पॉइंट को रखेंगे, जहां पे एक्स वन है वहां, जहां पे एक्स है वहां पे एक्स वन रखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, जी वन हो जाएगा और यहाँ पे एक्स वन होगा, प्लस में आ जाएगा टू एफ वन वाई वन प्लस सी वन आएगा। अगर हम PQ का स्क्वायर करते हैं तो PQ का स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा, रूट खत्म हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखेंगे, अगर हम PQ का स्क्वायर करना चाहते हैं तो एक्स वन स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, वाई वन स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा टू, यहाँ से जी वन एक्स वन प्लस टू एफ वन वाई वन प्लस सी वन आ जाएगा, एक लेंथ निकल गया। अब उसी तरह से क्या निकालना होगा, PR, मतलब P से लेकर R की दूरी, यहाँ पे कोई एक पॉइंट दिया है, एक सर्कल है, तो ये दोनों के बीच का जो लेंथ होगा, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये सर्कल दूसरा वाला है, मतलब दूसरा समीकरण यहाँ पे है, एक्स वाई के जगह पर एक्स वन वाई वन रखेंगे, सीधा पी आर निकल जाएगा। तो एंड हम लोग क्या लिखेंगे, पी आर इक्वल टू, तो रूट देना पड़ेगा, जहाँ पे एक्स है अब क्या रखना होगा एक्स वन, कहने का मतलब एक्स वन स्क्वायर प्लस क्या आएगा वाई वन स्क्वायर ए टू जी टू, एक्स वन आएगा प्लस टू एफ टू वाई वन प्लस क्या आ जाएगा सी टू आ जाएगा, आएगा ना। इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा, रूट खत्म, एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर टू जी टू, एक्स वन प्लस क्या आएगा टू एफ टू वाई वन प्लस सी टू आ जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन से, वन क्या है, आर है ये चीज़ ना, चलो एक पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर है, यही चीजें है ना। देखिए समीकरण है, पी क्यू का वैल्यू क्या है सामने है, स्क्वायर वाला रखेंगे तो ये होगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स वन प्लस टू एफ वन वाई वन प्लस सी वन बराबर रखेंगे। पी आर का वैल्यू, पी आर का वैल्यू क्या है, इस वाले को रखेंगे तो ये होगा एक्स वन स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई वन स्क्वायर प्लस क्या होगा टू जी टू एक्स वन, बीच में प्लस है टू एफ टू वाई वन प्लस सी टू आ जाएगा। ठीक है, एक्स वन स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर कट गया, जो बच गया उसको लिखेंगे टू जी वन एक्स वन प्लस टू एफ वन वाई वन प्लस सी वन बराबर क्या आ जाएगा टू जी टू एक्स वन प्लस टू एफ टू वाई वन प्लस सी टू। ठीक है, इस वाले को हम लोग इधर लाएंगे तो सभी कोई प्लस है, इधर आने के बाद क्या होगा माइनस, तो आप क्या लिखिएगा यहां से जी वन एक्स वन प्लस इस वाले को लिख देते हैं टू जी टू एक्स वन, बीच में क्या है प्लस टू एफ वन वाई वन माइनस टू एफ टू वाई वन प्लस सी वन माइनस सी टू इक्वल टू जीरो, मतलब ऐसे लिखा गया है कि एक्स वाले को एक साथ लिखे, वाई वाले को सजा के लिखे, बाकी सी वन और सी टू के लिखे। इसमें से कुछ कॉमन होगा तो क्या कॉमन होगा, टू कॉमन हो रहा है तो ये जी वन माइनस क्या आ जाएगा जी टू, इधर से क्या होगा एक्स वन होगा, टू कॉमन करेंगे तो एफ वन माइनस एफ टू और ये होगा वाई वन प्लस सी वन माइनस सी टू इक्वल टू जीरो। लेकिन बात है कि लोकस है ना, जब भी आपको अगर लोकस दिया हुआ है पॉइंट जैसे एक्स वन और वाई वन है तो इसको फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स कामा वाई लिखते हैं, जहां पे एक्स वन है वहां पे हम लोग क्या करते हैं एक्स लिखेंगे, जहां पे वाई है वहां पे क्या करेंगे, हेंस द लोकस ऑफ
क्या लिखेंगे, हेंस द लोकस ऑफ x1 y1 वही हो गया इज। तो x1 के जगह पर हमें x रखना पड़ेगा और y1 के जगह पर y रखना पड़ेगा। तो आपके पास समीकरण क्या मिलेगा, 2g1 माइनस g2 x प्लस 2 f1 माइनस f2 y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू जीरो। इसी वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो इक्वेशन आ रहा है आपके पास रेडिकल एक्सिस का समीकरण आ रहा है, ठीक है। तो इतना हम लोग काम नहीं करेंगे, सीधी सी बात है कि दो समीकरण यहाँ पे दिया रहेगा, दोनों समीकरण के क्या करेंगे घटा लेंगे, जो भी आएगा वही रेडिकल एक्सिस का समीकरण आ जाएंगे। तो इसका हम शॉर्ट तरीका बताएंगे, पहले आप इसको लिखिए, फिर से समझ लीजिए, दो आपके पास समीकरण दिया रहेगा, क्लियर है। पॉइंट दिया है या नहीं दिया है उसे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट नहीं के बराबर पॉइंट नहीं देता है, केवल दो समीकरण दिया रहेगा, दोनों समीकरण किसका रहेगा, सर्कल के रहेगा। बोलेगा कि इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस क्या होगा, तो आपको करना क्या है कि दो यहाँ पे सर्कल बनाना है, एक पॉइंट लोकस लेंगे, इस पॉइंट से दो हम टेंजेंट खींचेंगे, दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये इसी को बोला जाता है रेडिकल एक्सिस, ठीक है। इसको लिख देंगे कि पी की और पी आर क्या है, दो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है इक्वल होता है, डेट इज इक्वल टू जो पी की होगा वही क्या आएगा, पी आर। अगर हम इसको इधर से स्क्वायर करते हैं तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, लेंथ कैसे निकाला जाता है, एक सर्कल और एक पॉइंट के बीच में, ये सर्कल और ये पॉइंट के बीच में लेंथ निकालना है, तो रूट दे देंगे, पहले वाले सर्कल में जहां पे x है वहां पे x1 लिखेंगे, जहां पे y है वहां पे y1 लिख करके रूट दे देंगे। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म होगा। उसी तरह से हमने pr निकाला और समीकरण एक में देखा कि pq का स्क्वायर इक्वल टू pr का स्क्वायर, pq का वैल्यू यहां से रखे और pr का स्क्वायर यहां से रखे, जो कट गया कट गया, जो बच गया उसको लिखे, एक तरफ ला करके x1 टू टू कॉमन हुआ, वाई वन वाई वन और टू कॉमन हो गया, बाकी लिख देंगे। एक्स वन और वाई वन क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट है, तो उसको एक्स वन के जगह पर एक्स रखेंगे, वाई वन के जगह पर वाई रखेंगे, और ये जो फाइनल आया आपका रेडिकल एक्सिस का समीकरण आया, ठीक है। अलग तरीका से बताएंगे तो समीकरण क्या करना है, आपको एक में दो को घटा देना है, चाहे दो में से एक को घटाइए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, आप इसको नोट करेंगे। जैसे इस वाले को इतना लेंदी नहीं बनाएंगे, दो आपके पास सर्कल दिया रहेगा और सीधा लिखेंगे, देखिए दी क्या है भाई, रेडिकल एक्सिस, ठीक है, हमें निकालना होगा। यहाँ पे लिखेंगे ऑफ दी फर्स्ट एंड सेकेंड सर्कल, दो ही सर्कल दिया हुआ है ना, इज ऑफ टेन या ऑफ टेन लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों सर्कल को आपस में घटा देंगे, बाय सबट्रैक्टिंग दिया। हम लोग क्या करेंगे, जब भी रेडिकल एक्सिस को निकालना होगा, दो सर्कल दिए हैं, दोनों सर्कल को हम लोग सीधा सीधी क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। जैसे घटाने के क्या काम है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू प्लस है ना, टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन, बीच में क्या होगा माइनस, क्योंकि घटाना है, इस वाले को घटाएंगे तो ए भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, ये भी, क्योंकि माइनस सभी में लग जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे लिखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू जी टू एक्स माइनस टू एफ टू वाई ना माइनस सी टू इक्वल टू जीरो है। जैसे आप इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटिएगा, यहाँ से जो बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे तो क्या मिलेगा,
ये होगा टू जी वन एक्स माइनस टू जी टू एक्स आ जाएगा प्लस टू एफ वन वाई, लिख रहे हैं ना, माइनस कितना आ जाएगा टू एफ टू वाई माइनस देखिए प्लस सी वन माइनस सी टू। बस एक्स वाले को एक जगह लिख दिए हैं और वाई वाले को एक जगह और सी वन और सी टू को एक जगह। यहां से कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन हम लोग क्या करेंगे, टू कॉमन करेंगे जी वन माइनस जी टू और इधर से एक्स हो जाएगा। जैसे टू कॉमन किया तो एफ वन माइनस एफ टू हो गया ए वाई और प्लस सी वन माइनस सी टू इक्वल टू जीरो। ये जो आपका आ गया ये इक्वेशन ऑफ किसका मिला, रेडिकल एक्सिस के मिला। बात समझ में आ रहा, इतना लेंदी काम नहीं करेंगे लेकिन इसमें हमें एक सीखने के लिए मिला कि एक सर्कल दिया रहेगा एक पॉइंट दिया रहेगा तो हम कैसे टेंजेंट का लेंथ निकालेंगे। ठीक है, चलिए इस पर एक एग्जांपल नंबर वन लिखते हैं। फाइंड दी रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल। दोस्त यहाँ पे ब्रीथ लेंगे तो पहला ब्रीथ है, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू सात है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ना ये सात वाई प्लस क्या है चार इक्वल टू मान लेते हैं कि जीरो। या तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं और लिख देते हैं। ठीक है, एक क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, दो सर्कल है, दोनों सर्कल के बीच में क्या निकालना है, रेडियल ना, रेडिकल एक्सिस निकालना है। तो इतना हम लोग लोकस वगैरह नहीं बनाएंगे, दो टेंजेंट दो सर्कल नहीं लेंगे, दो टेंजेंट नहीं ड्रो करेंगे, उसका लेंथ नहीं निकालेंगे, है ना, सीधी सी बात है, हम वो निकाल देना है इसका इक्वेशन। जैसे सॉल्व कीजिएगा तो आप लिखिएगा देखिए गिवन है, तो गिवन दैट में हमें क्या लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसको इधर ला करके माइनस करके सात इक्वल टू जीरो लिख देंगे। लिख सकते हैं, देखिए सात इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और दूसरा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सात वाई माइनस चार इक्वल टू जीरो, चार को इधर लाएंगे जीरो, दो सर्कल हो गया। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, द रेडिकल द एक्सिस ऑफ किसके लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड इच ऑफ टेन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बाय सबट्रैक्टिंग समीकरण एक में हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को दो को घटा देंगे। समझ में आ रहा है, तो देखिए पहला समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सात, इसको घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस माइनस सात वाई और प्लस क्या आएगा चार इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटे वाई स्क्वायर से चलो वाई स्क्वायर कटेगा, जो बच गया उसको लिखना चाहते हैं, माइनस सात हो गया प्लस सिक्स सिक्स माइनस सात वाई प्लस चार और इक्वल टू जीरो। बात यहां बनता है कि सिक्स सिक्स है माइनस कितना है सात वाई, अच्छा ये दोनों का हम करेंगे तो माइनस कितना मिलेगा थ्री इक्वल टू जीरो, यही आपका मिल गया समीकरण, बहुत छोटा सा बना देंगे। समझ में आ रहा है ना, इसको नोट करेंगे जल्दी में। आपसे पूछेगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट का ऑफ सर्कल इतना एंड पॉइंट इतना। जैसे पॉइंट मान लेते हैं कि आपके पास एक पॉइंट दे रखा है ये जीरो और वन है और एक सर्कल दे रखा है, ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है टू एक्स और प्लस क्या है सात इक्वल टू जीरो दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये सर्कल है मान लेते कि ये सर्कल है और इस पर एक हम टेंजेंट लेंगे और ये पॉइंट मेरे पास जो भी है जीरो और कॉमा वन है, ठीक है ए वाला आपके पास क्यू है। अगर ये पूछेगा कि पीक्यू का लेंथ क्या होता है, पीक्यू कहने का मतलब क्या होगा, ये लेंथ होगा और इसकी जब लेंथ पूछेगा तो बहुत आसान तरीका से हम लोग नोट कर लेंगे
एक्स के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू दूनी जीरो प्लस सात कर देंगे, तो जीरो प्लस वन प्लस जीरो प्लस क्या होगा सात, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा एट, और एट का लिखेंगे टू रूट टू मिलेंगे। ठीक है, ऐसे लेंथ निकाला जाता है। कभी जब भी पेपर में पूछता है तो शॉर्ट तरीका ये निकाल दिए कि एक पॉइंट एक सर्कल के बीच का जो लेंथ आएगा आपको लेंथ ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, लाइट भी मजाक पहले इसके बारे में समझेंगे अब बन जाएगा। ठीक है, टोटल चीजें पहले समझाते देखिए क्या है। टू प्रूव दैट द रेडिकल एक्सिस, पहले हमें क्या करना होगा, रेडिकल एक्सिस निकालना होगा। तो कैसे निकलता है, तो कम से कम दो सर्कल दिया रहेगा और घटा देंगे। ऑफ टू सर्कल है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्राइंग द सेंटर ऑफ सर्कल, कहने का मतलब परपेंडिकुलर होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए दो यहाँ पे हम लोग सर्कल लेंगे। ठीक है, दो सर्कल लेंगे, एक और यहाँ पे क्या ले लेंगे, सर्कल ले लेंगे, मान लीजिए सर्कल है, इसका सेंटर ए है और इसका सेंटर क्या है ए। इसमें हम लोग कुछ सेंटर मान लेते हैं और इसको कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये ए है और ये क्या है बी है। इससे जब पास करता है और इसी पास को हम लोग क्या करते हैं, इसको बोला जाता है रेडिकल एक्सिस बोलते हैं, समझ लेंगे रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं सी, और क्या बोला है कि एक लाइन को लेना है और जो सेंटर होगा किसका, सर्कल को हम लोग दोनों लाइन से क्या करेंगे, दोनों पॉइंट चाहे सेंटर से क्या करेंगे, जोड़ देना है इसको। अब यहाँ पे देखिए ये सीधा परपेंडिकुलर बन रहा है ना जी, लेकिन परपेंडिकुलर तो बन गया, अब आपको दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो देखिए ये एक लाइन ए भी लाइन हो गया और एक ए लाइन हो गया। ठीक है, एक लाइन ए है और एक लाइन ए है। आजकल हम लोग पढ़ाए थे कि जब दो लाइन है या दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका कंडीशन एम वन और एम टू इक्वल टू माइनस वन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। इसका मतलब इसका स्लोप निकालना पड़ेगा और इसका स्लोप निकाल करके गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस वन। माइनस वन के कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर है। अब समझ गए बात को, समझे। तो सीधी सी बात है कि ए और बी है, दो दो सेंटर निकालना पड़ेगा। तो दो पॉइंट के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में पता है कि दो पॉइंट के लिए कैसे स्लोप निकाला जाता है। पहले पहले हम लोग दो सर्कल लेते हैं, ले देखिएगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स आर, दो समीकरण लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, एक सर्कल हो गया। दूसरे वाला में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ का लिखेंगे टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये समीकरण क्या हो गया। अब हमें यहाँ पे लिखना क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ द इसका रेडिकल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे ऑफ द क्या होगा जी, फर्स्ट एंड सेकेंड इज, बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे, देखना घटाओ दे देंगे, सीधा क्या करेंगे घटा देंगे। तो घटाने का तरीका क्या है, देखिए एक बार लिख दे डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाइएगा कट जाएगा, वाई स्क्वायर चलिए लिखिए देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा टू जी वन एक्स प्लस क्या आएगा टू एफ वन वाई प्लस सी वन माइनस, इसको घटाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू जी टू एक्स माइनस टू एफ टू वाई माइनस सी टू, ठीक है इक्वल टू जी वन, ये पूरा धड़ा के इसको काटेंगे, यहाँ से टू और यहाँ से टू कॉमन करेंगे तो टू यहाँ होगा जी वन माइनस जी टू एक्स प्लस टू हो गया ना, एफ वन माइनस क्या होगा एफ टू और इसके साथ वाई और प्लस सी वन माइनस सी टू। ऐसे भी दो सर्कल का हम लोग क्या लिखे थे, दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस कैसे निकाला जाता है, घटा के निकाला जाता है। अब बताइए इसका हम लिखेंगे स्लोप ऑफ, बताइए रेडिकल एक्सिस इज,
स्लोप कहने के पहला एन वन निकाल दिए, माइनस होगा इसको लिखते हैं कोफिशियंट ऑफ वाई, एक्स होगा, एक्स होता है ना, अब बटा क्या लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ वाई, ये फॉर्मूला होता है। कैसे हम लोग जानेंगे, एक लाइन मेरे पास दिया रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसकी जो स्लोप होता है माइनस ए बटा क्या आता है बी आता है, कोफिशियंट ऑफ किसका हो रहा है एक्स का, एक्स का कहने का मतलब है बटा में बी, बी किसका हो रहा है वाई का, एक लाइन ही तो है, देखिए तो एक्स है वाई है और कोई नंबर नहीं है, इसके साथ ना ये काम कर रहा है। तो हम लोग एम वन बराबर माइनस लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स का और बटा कोफिशियंट ऑफ वाई का, तो यहां से बताइए एम वन माइनस तो रहेगा ठीक है, कोफिशियंट ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है इसको लिखेंगे टू, चलिए इसमें लिखेंगे टू ए जी वन माइनस जी टू बटा कोफिशियंट ऑफ वाई के क्या है कि टू एफ वन माइनस एफ टू, ये टू टू कट जाएगा, कटेगा तो इसको मिटा दे, तो ए हुआ एम वन बराबर माइनस हो जाएगा जी वन माइनस जी टू बटा क्या होगा एफ वन माइनस एफ टू, हो गया। अब देखिएगा सेंटर हम लोग कैसे जानेंगे, इसका सेंटर क्या है बताना पड़ेगा और इसका भी सेंटर बताना पड़ेगा, सेंटर बहुत आसान है जी, देखिएगा ये जी वन और एफ वन क्या है पहले वाले सर्कल का सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे टू है यहाँ भी टू है, बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि जी वन और एफ वन ये सेंटर है, तो सेंटर हम लोग क्या लिखते हैं माइनस में जी वन और कमा माइनस क्या लिखेंगे एफ वन लिखेंगे ठीक है। दूसरा सेंटर क्या होगा इसमें हम लोग क्या लिखेंगे माइनस जी टू और माइनस एफ टू। अब हमें क्या करना है कि इस लाइन का तो पूरा निकाल दें, क्योंकि रेडियल एक्सिस ही बोला जाता है, इसका स्लोप पता हो गया, अब स्लोप किसका निकलना है एबी का निकलना है, क्या निकलना है एबी का, देखिए स्लोप ऑफ एबी, एबी का निकलने का मतलब क्या है सेंटर से स्लोप निकालना है, सेंटर यहाँ पे खुद लिखा हुआ है तो ये भी ही लिखेंगे। देखिए इसमें होता है क्या कि वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, फॉर्मूला तो यही होता है, इस स्लोप को हम क्या लिखेंगे एम टू लिखेंगे, क्योंकि स्लोप को एम से लिखेंगे, पहला एम वन लिखेंगे तो दूसरा एम टू लिखेंगे। वाई टू कहने का मतलब क्या है माइनस, वाई टू कहने क्योंकि एक्स वन है वाई वन है और एक्स टू है और वाई टू, वाई वन कितना है माइनस एफ टू, बीच में क्या होगा माइनस एफ वाई वन, वाई वन क्या है माइनस एफ वन बटा एक्स टू, एक्स टू कहने का मतलब क्या है माइनस जी टू है ना, बीच में क्या होगा माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या है माइनस जी टू, समझ में आ रहा है ये चीजें, क्योंकि ये पॉइंट ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं तो पहला का एक्स वन वाई वन और दूसरा का एक्स टू वाई टू, स्लोप का फॉर्मूला लिख दिए है, ये एम टू होगा माइनस माइनस, तो प्लस को आगे लिखेंगे और माइनस को पीछे, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहां से चलेंगे नाउ, अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीपल कितना आना चाहिए माइनस वन आना चाहिए, तब दोनों स्लोप के गुणा करेंगे, तो माइनस ये हो जाएगा जी वन माइनस जी टू बटा एफ वन माइनस एफ टू इन टू होगा, इसका क्या होगा एफ वन माइनस एफ टू बटा जी वन माइनस जी टू। देखिए तो ये बिल्कुल कट जा रहा है ना, कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, तो एम वन बराबर एम टू इक्वल टू क्या हो गया माइनस, तो ये थ्योरम आपका बिल्कुल क्या है कंप्लीट है, यही प्रूव करना था इसका जो रेडिकल एक्सिस का अप टू सर्कल का सर्कल है वो इन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, समझ में आया, फिर से समझ लेंगे बहुत आसान है, कहा है कि रेडिकल एक्सिस किसका होना चाहिए दो सर्कल का, हम तुरंत निकालेंगे दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस घटा करके निकाल दिए, उसके बाद बोला है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए कब, जब ए सेंटर है मतलब दोनों सेंटर के एक लाइन से हम लोग जोड़ेंगे और इस पर परपेंडिकुलर होना, देखने में तो लग रहा है परपेंडिकुलर, इसको सोल्व करेंगे इसका स्लोप एम वन हो गया और इसका स्लोप क्या हो गया एम टू, परपेंडिकुलर के कंडीशन हमने पढ़ा रखा है कि जब दोनों स्लोप का मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है माइनस वन आता है,
तो हमने कहा किया कि देखो ए वाला एक लाइन हो गया कि कभी भी रेडिकल एक्सिस निकलेगा तो एक लाइन ही होता है, देखिए लाइन है ना, तो लाइन ही तो मिला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में मिला ना। तो यहाँ पे जब भी ऐसा लाइन मिलेगा तो हम लोग स्लोप स्लोप ऑफ क्या लिखेंगे, स्लोप ई होता है, स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस इज एम वन बराबर माइनस लगाते थे कोफिशियंट ऑफ किसका लिखेंगे एक्स का बटा कोफिशियंट ऑफ वाई का लिखेंगे, बाकी एक्स का कोफिशियंट ऊपर एक्स वाई का नीचे, जो भी कट गया एम वन निकल गया, स्लोप ऑफ ए बी मतलब ए से लेकर बी, तो ए का और बी का पॉइंट है तो ये फॉर्मूला लिख दिया है, y2 यहाँ से लिखेंगे, y1 यहाँ से लिखेंगे, x2 यहाँ से लिखेंगे, x1 यहाँ पे लिखेंगे, बाकी सॉल्व करेंगे, दोनों का मल्टीपल माइनस वन आया, इसका मतलब रेडिकल एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर किस पर होगा, जो सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग करेंगे उस पर होगा, ठीक है। चलिए आप इसको जल्दी में नोट करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या निकालने के लिए बोला है कि फाइंड द रेडिकल सेंटर, सेंटर पूछेगा अगर सर्कल का तो अलग होगा और रेडिकल के पूछेगा तो अलग होगा, ठीक है। ऑफ दी सर्कल कितना है, एक है दो है और तीन है, पहले इस वाले पर ध्यान देंगे कि रेडिकल एक्सिस निकालना होगा, उसके बाद ही सेंटर के बारे में पता करेंगे। जैसे आपके पास क्या दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, दे इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे दिया है, तीन के दिया हुआ है, ठीक है, तो तीन थे दिया हुआ है, तो पहला क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, नंबर क्या कर लिए, वन कर लिए। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस क्या आएगा, फोर वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, समीकरण क्या कर लिए, दो कर लिए। तीसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सात एक्स और माइनस एट और माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, समीकरण क्या हो गया, तीन हो गया। देखिए क्या करना है, पहले रेडिकल एक्सिस निकालेंगे, इस वाले को एक साथ ले लेते हैं, वन और टू को एक साथ लेंगे और एक बार टू और थ्री के एक साथ लेंगे, चाहे मन किया तो वन और थ्री के ले लेंगे और वन टू को ले लेंगे, मन किया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, टू और थ्री को ले लेंगे और फिर वन और टू इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहां से लेट हम लोग क्या, यहां से भी लिखेंगे द रेडिकल एक्सिस, ठीक है, निकालेंगे ऑफ दी, बताइए जी फर्स्ट एंड क्या करते हैं, सेकेंड सर्कल, बताइए सीधी सी बात है कि वन और टू के बात करते हैं तो इसका रेडिकल एक्सिस निकालते कैसे हैं, घटा करके, तो समीकरण क्या है यहाँ पे, वन वन को बात किया और टू को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या आ जाएगा, टू वाई प्लस थ्री, बीच में माइनस, इसको माइनस कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, समझ में आ रहा है ना। अरे पहले वाले में दूसरे को घटाना रहता है, ये तो कट जाएगा, बताइए यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे माइनस टू एक्स है तो क्या बचेगा, माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे टू वाई और माइनस फोर वाई तो माइनस टू वाई, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लिखेंगे, कितना लिखेंगे, टू और इक्वल टू जीरो, माइनस आप कॉमन कर लीजिएगा तो क्या होगा, तीनों लोग प्लस में हो जाएंगे इक्वल टू जीरो। अब इसको क्या कीजिएगा, एक्स प्लस टू वाई प्लस टू और इक्वल टू जीरो आ जाएगा, समीकरण इसको हम क्या मान लेंगे, फोर मान लेंगे, बात समझ में आ रहा है। अब फिर से देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण दो और समीकरण थ्री को लेंगे, एंड द रेडिकल एक्सिस ना ऑफ द किसका, सेकेंड एंड थर्ड को, बन किया तो वन और थ्री को भी ले सकते हैं, अब देखिएगा इसमें क्या होता है, टू और थ्री के बात हो रहा है, मतलब दूसरे वाले में से तीसरे को घटाएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दूसरा समीकरण पूरा बिंदास लिख देना है और प्लस फाइव बीच में माइनस, अब इसको माइनस कर देना है, ये भी माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, टू एक्स है और यहाँ पे सात एक्स है, मिलेगा तो कितना बनाएगा, नाइन एक्स, फोर वाई प्लस ये कितना बनाएगा, बारह वाई,
और ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस कितना आएगा 14 इक्वल टू, और ये नंबर क्या हो गया 5 हो गया। यही तो चीजें हैं 10th क्लास में सॉल्व किए हैं। x और y रहता है, x y तो दोनों समीकरण के सॉल्व करते हैं 10th में। अरे पढ़े है ना, x प्लस वाई बराबर माइनस टू है, और 9x प्लस 12y इधर ले जाएंगे तो माइनस 14 हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको एक क्रॉस, अब इन लोगों से बात करते हैं, देखिएगा क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन वन एल थ्री वन ए फोर है जे और एक फाइव है। देखिए ये क्या होगा, फोर और फाइव को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टी इससे सोल्व करेंगे। देखिएगा x प्लस टू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो है, और यहां पे 9x प्लस 12y प्लस 14 इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा रुक जाइएगा समझेंगे इसके बारे में। ये जो मल्टीप्लाई किससे होता है, सामने सामने लिख दिए हैं, जैसे x और y आप 10th क्लास के जैसा सॉल्व कीजिएगा तो x और y का वैल्यू तो दे ही देगा ठीक है। तो एक तरीका अलग अपनाते हैं कि a वेरिएबल x है तो x लिखेंगे, a वेरिएबल y है, और ये कोई नहीं है तो इसके साथ क्या लिखेंगे, 1 के अलावा कुछ नहीं लिखना है। अब x का बात करेंगे तो x का ऐसे ढक लेना है, और अगला हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे। कैसे गुना करना है, तिर्यक गुना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस इसका होगा ठीक है। तो पहले शुरुआत यहाँ से ए बी प्लस तो दो गुने चौदह करेंगे, टू गुने चौदह, बीच में हमेशा माइनस, अब इससे करेंगे तो टू गुने बारह। वाई को ढकेंगे तो वाई के तीसरा यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो, तो जीरो से तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो इसके जस्ट आगे के बाद पीछे घूमेंगे तो टू और नाइन को, टू गुने नाइन बीच में माइनस ठीक है। इसको इससे तो 14 इंटू वन, फिर वन है, वन कहने के मतलब कांस्टेंट यहाँ पे है, आगे चलेंगे तो जीरो मिलेगा। अब जस्ट पीछे आइए, फिर शुरुआत यहाँ से करना है, वन इंटू टू बीच में माइनस, टू इंटू नाइन, बाकी सॉल्व कर लेना है। तो एक्स बट्टा एक्स कितना आ जाएगा, चौबीस सॉरी अट्ठाईस आएगा, चौदह दुना का अट्ठाईस माइनस चौबीस वाई बट्टा, इसमें देखिए नौ दुना का अठारह माइनस चौदह, इसमें देखिए बारह माइनस अठारह आ जाएगा। इसको आप सोल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है, चार आ रहा है, इसमें सोल्व करके देखिए चार ही आ रहा है, लेकिन इसको सोल्व करके देखिए आप कितना आ रहा है, माइनस कितना आएगा छह आएगा। चाहे तो इसको दो दो से काटेंगे या एक्स बट्टा फोर इक्वल टू वन बट्टा माइनस सिक्स लिखेंगे ना, एंड वाई बट्टा फोर, क्योंकि तीनों आपस में क्या है इक्वल है। अच्छा एक्स बराबर तो ये यहाँ पे चला जाएगा फोर बट्टा माइनस सिक्स, y बराबर a यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस फोर बटा सिक्स, इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो टू बटा कितना आ जाएगा थ्री आएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा माइनस टू बटा थ्री ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, वर्टिकल सेंटर इच कितना आ जाएगा माइनस टू बटा थ्री, माइनस टू बटा थ्री, ये नहीं बोलना है कि दोनों का भेदो तो सेम ही आ गया, ऐसा कुछ नहीं हो, अलग भी आ सकता है सेम भी आ सकता है, बनाने का यही तरीका है। आप क्या कीजिएगा, कभी भी अगर रेडिकल सेंटर पूछता है तो तीन समीकरण दिया रहेगा, वो भी सर्कल का, बात क्लियर है। तीन समीकरण होगा तो हमने क्या किया कि तीनों समीकरण को क्या करेंगे, एक एक के मतलब एक और दो को घटा लीजिएगा, और एक तीन को भी घटा सकते हैं, और चाहे दो और तीन को घटा करके दो समीकरण बनेगा। दोनों समीकरण के आप जैसे मन है वैसे सोल्व कीजिए, एक्स का और वाई का वैल्यू आता है उसी को बोला जाता है रेडिकल सेंटर बोलेंगे, क्लियर है। चलिए नोट करेंगे इसको, चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं, रेडिकल एक्सिस जो भी हम लोग पढ़े, अगले क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक लेंगे लेकिन सिस्टम ऑफ सर्कल ही पढ़ेंगे ठीक है, सिस्टम ऑफ सर्कल के ही बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में, क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।